गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन थ्री हम लोग कर चुके हैं आज करेंगे क्वेश्चन फोर राइट द डेसिमल नंबर फॉर ईच फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं उनके लिए हमें डेसिमल नंबर लिखना है तो थ्री बाय थाउजेंड मीन्स थ्री थाउजेंड इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री ठीक है सेवेंटी फाइव बाय थाउजेंड तो जीरो पॉइंट ज़ीरो सेवेन फाइव ठीक टेंथ और थाउजेंड की प्लेस के लिए हमारे पास नंबर है सॉरी हंड्रेड और थाउजेंड की प्लेस के लिए हमारे पास नंबर है टेंथ की प्लेस के लिए नहीं है तो हम वहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे फोर हंड्रेड ट्वेंटी सेवन बाय थाउजेंड ज़ीरो पॉइंट फोर हंड्रेड ट्वेंटी सेवन ठीक नाउ टू नाइन बाय थाउजेंड इट मीन्स टू होल नंबर है तो पहले टू देन पॉइंट अब नाइन बाय थाउजेंड को क्या लिखेंगे ज़ीरो ज़ीरो नाइन देन सिक्सटी एट होल नंबर पॉइंट थर्टी फाइव बाय थाउजेंड ज़ीरो थ्री फाइव वन हंड्रेड फिफ्टी नाइन सेवेंटी थ्री बाय थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी नाइन होल नंबर ज़ीरो सेवन थ्री थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स पॉइंट वन हंड्रेड सिक्सटी एट बाई थाउजेंड सो वन सिक्स एट ओके ना क्वेश्चन नंबर फाइव जस्ट ऑपोजिट राइट द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन जो डेसीमल नंबर दिए हैं उनके लिए हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं इसके लिए मैंने इजी तरीका आपको बताया था अच्छा वो फ्रैक्शन uh, से डेसीमल के लिए बताया था यहाँ थाउजेंड की प्लेस पर है सेवन तो सेवन बाय थाउजेंड जीरो पॉइंट जीरो थ्री नाइन इट मीन्स थर्टी नाइन बाय थाउजेंड जीरो पॉइंट फाइव फोर थ्री मीन्स फाइव फोर थ्री फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री बाय थाउजेंड सिक्स पॉइंट जीरो जीरो सिक्स इट मींस सिक्स तो होल नंबर है हमारे पास और सिक्स जीरो जीरो सिक्स मीन्स सिक्स बाय थाउजेंड देन फिफ्टी फाइव पॉइंट जीरो फाइव फाइव इट मीन्स फिफ्टी फाइव जो है वो होल नंबर हो गया एंड फिफ्टी फाइव बाय थाउजेंड एक चीज ध्यान रखनी है आपको जब हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं तो ये लाइन जो है इस नंबर के सामने होगी ये नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में होगा फिफ्टी फाइव और ये फिफ्टी फाइव एक ही लाइन में नहीं होंगे अदरवाइज वो आपका एकदम रॉन्ग हो जाएगा ठीक है इसको लिखते समय ध्यान रखेंगे सिक्स हंड्रेड एट होल नंबर एंड सेवन ज़ीरो थ्री तो सेवन ज़ीरो थ्री और इस नंबर के सामने लाइन और इसके नीचे थाउजेंड ठीक है डिनोमिनेटर इस नंबर के सामने जो लाइन रहेगी उसके नीचे न्यूमरेटर ऊपर और लाइन जो है वो इस नंबर के सामने होगी लास्ट वन वन थाउजेंड फाइव बाय एट फिफ्टी एट बाय थाउजेंड ठीक है तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो हम लोगों को नहीं करना है ठीक है क्वेश्चन सिक्स बुक में ही क्रॉस लगा देंगे इसको नहीं करना है नावर नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल फ्रैक्शंस इन द प्लेस वैल्यू चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट में डेसिमल फ्रैक्शन को किस तरह से शो किया जाता है अब तक जो हम लोगों ने नंबर पढ़े हैं द प्लेस वैल्यू चार्ट दैट यू हैव स्टडीड टिल नाउ कैन बी शोन एज अंडर अब तक जो हम लोगों ने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा है वो क्या है इधर से हम लेफ्ट राइट right से लेफ्ट की तरफ जाते हैं वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड है ना लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हर प्ले पहली जो प्लेस वैल्यू है वो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू की वन बाय टेन है जैसे थाउजेंड जो है वो टेन थाउजेंड का वन बाय टेन है हंड्रेड जो है वो थाउजेंड का वन बाय टेन है टेन जो है वो हंड्रेड का वन बाय टेन है और वन जो है वो टेन का वन बाय टेन है इट मीन्स जैसे जैसे हम इधर आते जाते हैं जो नंबर है वो टेन से डिवाइड होता जाता है है ना जैसे थाउजेंड इक्वल टू वन थाउजेंड को टेन से डिवाइड किया तो थाउजेंड आया थाउजेंड को टेन से डिवाइड किया तो हंड्रेड आया हंड्रेड को टेन से डिवाइड किया तो टेन आया और टेन 10 को हंड्रेड से टेन से डिवाइड किया तो वन आया एज वी मूव टूवर्ड्स द राइट ईच प्लेस वैल्यू बिकम्स वन टेंथ ऑफ द प्रीवियस वन कि जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में बढ़ते जाते हैं जो वैल्यू है प्लेस वैल्यू वो अपने से पहले की वन टेंथ होती है ठीक है ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने देखी अभी

हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की वैल्यू निकालने के लिए जो ये वैल्यू है इसका नेक्स्ट जो है वो वन उसमें जो है वन टेंथ और बढ़ जाता है जैसे यहाँ पर जो टेंथ की प्लेस वैल्यू है ये वन बाय टेन है इधर जाएंगे तो वन बाय हंड्रेड हो गई इधर जाएंगे तो वन बाय थाउजेंड्स हो गई ठीक है फॉर एक्जाम्पल द डिमल नंबर सिक्स एट थ्री फोर पॉइंट फोर फाइव नाइन सिक्स हंड्रेड एटी थ्री पॉइंट फोर फाइव नाइन कैन बी शोन इन प्लेस वैल्यू चार्ट एज सिक्स हंड्रेड है एट है, थ्री वंस है ठीक है अब इसके इधर जो पॉइंट के इधर हैं वो टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंथ है तो उनको शो करने के लिए फोर को शो करने के लिए फोर बाय टेन फाइव को शो करने के लिए फाइव बाय हंड्रेड एंड नाइन को शो करने के लिए नाइन बाय थाउजेंथ ठीक है इस तरह से जब नंबर हमें दिया हो तो हम उसकी प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे यहां पर देखो ध्यान से इधर से जब स्टार्ट करेंगे हम अगर तो जो ये है टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंड की प्लेस यानी एट की प्लेस वैल्यू क्या है एट बाय थाउजेंड और पॉइंट जीरो जीरो एट सेवन की प्लेस वैल्यू क्या है सेवन बाय हंड्रेड और जीरो पॉइंट जीरो सेवन थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है थ्री बाय टेन और जीरो पॉइंट थ्री ठीक फिर ये डेसिमल है उसके बाद जो ये है ये वंस की प्लेस पे है तो फाइव इंटू वन इज इक्वल टू फाइव टू है टेंस की प्लेस पे टू इंटू टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स है टेंस की प्लेस हंड्रेड की प्लेस पे सिक्स इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड ठीक है अब अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो इस नंबर को हमें तो कैसे लिखेंगे सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर पॉइंट नाइन फाइव सेवन सिक्स हंड्रेड प्लस थ्री टेंस प्लस फोर वन प्लस नाइन टेंस है ना नाइन बाय टेन है तो नाइन टेंस फाइव हंड्रेड्स एंड सेवन थाउजेंड्स ठीक है अब इनको नंबर्स में चेंज करें सिक्स हंड्रेड प्लस थर्टी प्लस फोर प्लस नाइन टेंथ का मतलब नाइन बाय टेन फाइव हंड्रेड्स का मतलब फाइव बाय हंड्रेड एंड सेवन थाउजेंड का मतलब सेवन बाई थाउजेंड अब इनको डेसिमल में चेंज करेंगे तो सिक्स हंड्रेड प्लस थर्टी प्लस फोर प्लस जीरो पॉइंट नाइन प्लस जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव प्लस जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सेवन तो ये जो है ये इसका पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा ठीक है अब तक जो हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे वो सिर्फ इतना करते थे वनस टेंस एंड हंड्रेड्स लेकिन अब जब डेसिमल पॉइंट्स नंबर्स भी हमारे साथ पास हैं तो उसके लिए हम इस तरह से उसको एक्सपेंड करेंगे ठीक है यहाँ और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं एक दो मैं और बता देती हूँ आपको सपोज वन फाइव पॉइंट एट सिक्स तो फाइव वंस प्लस एट एंड सिक्स हंड्रेड तो फाइव प्लस एट बाई टेन प्लस सिक्स बाय हंड्रेड और इसको आगे कर सकते हैं क्या ये भी ठीक है और इसको क्या कर सकते हैं फाइव प्लस जीरो पॉइंट एट प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ठीक है ऐसे ही जीरो पॉइंट फोर सेवन सिक्स इसमें होल नंबर नहीं है डायरेक्ट हम केवल इसको एक्सपेंड करेंगे फोर टेंस मीन्स फोर बाय टेन सेवन हंड्रेड सेवन बाय हंड्रेड सिक्स थाउजेंड सिक्स बाय थाउजेंड उसको अगर आगे करेंगे तो जीरो पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट जीरो सेवन प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो Okay. now sixty five point two six so six tenths plus five buns plus two tenths plus six hundredth sixty plus five plus two by ten plus six by hundred or is equal to sixty plus five plus zero point two plus zero point zero six now three hundred ninety two point zero seven six थ्री हंड्रेड्स नाइन टेंथ टू वंस प्लस जीरो टेंथ टेंथ की प्लेस पे जीरो है तो जीरो टेंस हंड्रेड्स एंड सेवन थाउजेंड तो थ्री हंड्रेड प्लस नाइन्टी प्लस टू प्लस ज़ीरो बाई टेन प्लस सिक्स बाई हंड्रेड एंड सेवन बाय थाउजेंड और इसको करेंगे थ्री हंड्रेड प्लस नाइन्टी प्लस टू प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स प्लस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सेवन ठीक है तो आज आपको बस यहाँ तक समझना है इसकी जो रिलेटेड एक्सरसाइज है वो हम लोग कल करेंगे ठीक है